हेलो सो फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशोक। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं दोस्तों ये कूड़ा ऑडियो का डेमो सेटअप। इसके अंदर मैं डिटेल में बताने वाला हूं, कुछ अलग होने वाला है, कुछ यहां पे डिफरेंट होने वाला है बाकी किसी सिस्टम से। अभी तक हम यहाँ पर हाई एंड जो कि प्रोडक्ट्स है वो तो यूज़ करते थे, लेकिन ये उनसे भी हाई एंड प्रोडक्ट है। हाई एंड से मेरा कहने का मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, हर एक नंबर से आ गए हैं। और खास करके ये सबवूफर जो है ना, आपकी जो क्लिपिंग की प्रॉब्लम होती थी ना भाई, सबवूफर उड़ गया। अच्छे अच्छे ब्रांड्स के भी ऐसे होते थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। मज़ेदार से टेस्टिंग के साथ में रहेंगे, कोई ऊपर लाइनर भी लगेंगे, पूरा डेमो क्यूब है। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं ये एरेज, और आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपको ये एरेज देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली ये है दोस्तों कूड़ा ऑडियो के वी एरे, से हम कहते हैं वी एरे का ये मॉडल नंबर है। इस बात का ध्यान रखना, ये है 8 इंच के स्पीकर्स, यानी इसके अंदर 8 इंच के जो है वो आपको स्पीकर्स मिलते हैं। ये लाइक कोएक्सियल वाले टाइप का नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन जरूर दे दूंगा, या फिर हो सकता है कि एक छोटा मोटा जो चार्ट है वो मैं आपको दिखा दूंगा। थोड़ा मैं पास लाना चाहूंगा और डिटेल में हम जानेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, कोशिश करूंगा कि अगर ये जो है वो एरे नीचे आ सकता है तो मैं आपको एक वीडियो और भी इसका दे दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे कूड़ा ऑडियो का वी एरे वहाँ पे मैंने हैंग करा हुआ दिखाया आपको। यह है थोड़ा डिटेल में, यार डिस्क्रिप्शन इसका जो है डिटेल में अभी मैं दे देता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये कूड़ा की ब्रांडिंग देखने को मिलाती है। अगेन यहाँ पे जो ग्रिल डिज़ाइन है, लुक्स है, वो अलग ही यहाँ पे देखने पे मालूम चलता है। मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट्स है तो हो गई। जैसे मैं बताया था कि बेस पे भी आपको अटैचमेंट जो है वो मिल जाते हैं, तो यहीं पे सेम वो अटैचमेंट जो है वो आपको देखने को मिलती है पैच करने के लिए। और लुक साइड की मैं बात करूँ तो साइड का लुक भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से रखते हैं इसको, यहाँ पे आप देख लीजिए जो कि इसके अटैचमेंट है। बाकी यहाँ पे आप इसको जो है वो एरे या फिर फिट जो है वो कर सकते हैं। हैंडल गैप यहाँ पे हो जाता है, ये सारे इसके फिटिंग्स हो जाते हैं। यहाँ पे भी एक जो है वो हैंडल यहाँ पे बना रखा है ताकि आप इसको इजीली, और सबसे अच्छी बात है इस एरे की, आप इसको अकेले भी यहाँ पे सिंगल पर्सन कैन रिग द ऑल ओवर लाइनर, यानी पूरा रिग जो है वो सिंगल पर्सन भी यहाँ पे कर सकता है। टू स्पीकर्स मिल जाते हैं कूड़ा की। अगेन यहाँ पे आपको ब्रांडिंग जो है वो मिल जाती है, ये ड्यूल हैंडल्स हैं यहाँ पे, ताकि पुश करके आप इसको ईजिली यहाँ से इसको प्लग कर पाएँ। तो इतना आसान है ये। पेंट फिनिश आप इसका देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये पेंट फिनिश इसका काफ़ी अच्छा जो है वो लुक इसका मेरे को देखने को मिलता है। ओवरऑल नीचे भी जो है वो यहाँ पे, जैसे कि बताया ना, ये आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये वही लॉकिंग मैकेनिज्म जो कि सेम सबवूफर में भी आपको मिलता है। तो ये है दोस्तों यहाँ पे एरे का डिटेल, बाकी चलिए और भी जानकारी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस एरे की स्पेशलिटीज के बारे में बात करूं तो ये दोस्तों मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है। दूसरा यहाँ पे एक इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है कि इसमें दो आपको 8 इंच के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, जिसमें 2-2 इंच के यहाँ पे वॉइस कॉइल है। ये थोड़ा डिफरेंट है, आप कह सकते हैं कि ये कोएक्सियल नहीं है। अगेन कोएक्सियल यहाँ पे आप सोच रहे हैं कोएक्सियल है, क्योंकि इसके अंदर ड्यूल ड्राइव आर्म्स आपको मिलते हैं। एक तो जो है वो यहाँ पे स्पीकर्स का काम करता है, दूसरा जो है यहाँ पे हाई का, यहाँ पे ये मेंशन भी करा गया है, जो कि आपको 3.5 इंच यानी मिड का ये 150 वाट जो है वो आपको 3.5 इंच जो है वो मिल जाता है। ये वॉइस कॉइल ये आपका दूसरा मिड के लिए हो जाता है। अगेन यहाँ पे ये जो कि स्पीकर्स का ये आ जाता है, ये आप देख लीजिए 2 इंच का है। तो यहाँ पे ये 300 वाट एंड ये 150 वाट यहाँ पे आपको मिलता है, और ये हाई के लिए भी आपको जो है वो अलग से देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंट जो है वो डिफरेंट वैरायटी है, फिर कह सकते हैं कि डिफरेंट क्वालिटी है मार्केट से। और कोशिश करूँगा मैं थोड़ी सी अंदर की चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ या बता पाऊँ। दूसरा जैसे मैंने बताया जर्मनी प्रोडक्ट है, 16 ओम्स का ये 3-way पैसिव लाइनर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इसके फ्रीक्वेंसी रेंज के बाद में बात करूँ तो 55 से लेके 22 kHz तक की ये फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। इसके अलावा ये 600 वाट और 2400 वाट इसका पीक पावर जो है वो आपको मिलता है। अभी जो कि डिटेल्स रहेगा वो मैं यहाँ पे अभी सबवूफर का बता देता हूँ कूड़ा ऑडियो के। ये है दोस्तों यहाँ पे SCP सबवूफर, सिंगल 18 सबवूफर है। अगेन इसके बारे में जो कि डिटेल्स है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। और सबवूफर ये आपको सिंगल 18 मिलता है। यहाँ पे कूड़ा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। ग्रिल क्वालिटी आप देख लीजिए, यहाँ पे अगेन ये कर्व टाइप का डिज़ाइन है, कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। यहाँ पे आपको फ्रंट पे ही 2 स्पीकर्स सॉकेट्स मिल जाते हैं जो कि इसके इनपुट आउटपुट के काम में करता है। यहाँ पे एक चीज़ और भी है जो कि यह है XLR, जैसे कि मैंने बताया ये सिस्टम कुछ अलग है या फिर ये सबवूफर जो अलग है। इसके अंदर लगे हैं सेंसर, सेंसर किस प्रकार के हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सबवूफर ख़राब होने वाला नहीं है, जो कि आपके बाकी सब सबवूफर्स उड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, क्लिपिंग पे जाता है साउंड, उसके बाद भाई कुछ मालूम नहीं होता कि स्पीकर बचेंगे नहीं बचेंगे। तो इन सब के अलावा इसमें बहुत नेक्स्ट लेवल की जो है वो टेक्नोलॉजीज में यूज़ करी, जो कि ये सारी चीज़ें आपको बचाएंगी। क्वालिटी वाइज आप देख लीजिए यहाँ पर डिफरेंट है। ऊपर पोल माउंट जो है वो रखा गया है,
ये देख लीजिए पोल माउंट है, इस पर भी कूड़ा की, ये भी इनके यहीं पे डिज़ाइन और यहाँ पे मेड है। ये बाकी कुछ अटैचमेंट्स यहाँ पे मिल जाती हैं, ये ग्रूव्स का रखा है ताकि अगर आप इसके ऊपर टॉप रखें या कुछ रखें तो ये फिस लेना बेस के वाइब्रेशंस की वजह से। तो ये तो हो जाता है, साइड हैंडल्स भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये इसके जो है वो कुछ इस प्रकार के जो है वो साइड हैंडल्स हो जाते हैं, ये यहाँ पे लगे हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि ये अटैचमेंट आपको मिलती है, ये देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छे अटैचमेंट है भाई, अगेन काफ़ी मज़ा आ गया। ये देख लीजिए पूरा बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये यहाँ से जो है वो निकल नहीं रहा है, और ये अंदर जैसे आप इसको लॉक करेंगे तो ये अंदर से ऐसे लॉक हो जाएगा। इस पर भी आपको कूड़ा जो है वो यहाँ पर मैंशन करा है, ये देख लीजिए कूड़ा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है, बाकी पेंट फिनिश आप इसका देख लीजिए। पीछे से मैं कोशिश करता हूँ आपको एक बार ज़रूर दिखा देता हूँ। तो पीछे में जो है वो दोस्तों अगेन फ्रंट पे आपको एक स्पीकॉन मिला जो कि यहाँ पे, ये दोनों स्पीकॉन सेम वैसी है, ये जो है ये डिफरेंट है भाई, ये देख लीजिए, ये आपको XLRs मिलता है। अब ये क्या काम करता है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। अगेन ये जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। टेक्नोलॉजी कैसे अलग है कि इनपुट तो आपने कर दिया वहाँ से, जो कि एम्पलीफायर है वहाँ से ये इनपुट हुआ, लेकिन जो कि मैंने नीचे का XLR आपको दिखाया था वो करता क्या है, जब आप पीक पे जाते हैं, जब आप पीक साउंड पे जब जाते हैं तो होता क्या कि आपका स्पीकर जल जाता है या उड़ जाता है या फिर वो अलग सी साउंड करता है, पीछे कौन टकराता है या आगे कौन टकराता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर लगे हैं कुछ सेंसर्स ऐसे जो कि डिटेक्ट करते हैं आपके कौन के मूवमेंट को। अगर कौन का मूवमेंट आपका ज़्यादा बाहर जा रहा है या फिर पीक पे जा रहा है या फिर साउंड आपका यहाँ पे, जैसे कि मैंने कौन बताया कि आगे पीछे टकरा रहा है, तो उसको सेंस करता है, उसको रोकता है। उसको रोकने के लिए वही वहाँ पे जो कि XLR मैंने दिखाया था वो आउटपुट जा रहा है सीधे एम्पलीफायर में, जो कि वो पूरा रैक सिस्टम मिलता है, वो रैक सिस्टम भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सेंस कर लेता है कि भाई हाँ, अगर आप ओवरलोड जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है कि अगेन यहाँ पे आप स्टेट्स को छोड़ के, कंसोल को छोड़ के वापस वहाँ जाएँ, अगेन वॉल्यूम कम करें या मिक्सर से कम करें, क्योंकि अगर मिक्सर से कम करें तो कहीं ना कहीं देखो फर्क आएगा। तो ये सारी चीज़ें वो टेक्नोलॉजी इसमें बनाई है, ये डिफरेंट है। अगर मैं रैक की बात करूँ तो ये कम्प्लीटली रैक आता है कंपनी का, कोडा का, कोडा ऑडियो का ये कंप्लीट रैक है। आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको एम्पलीफायर फिट मिलेंगे, तीन एम्पलीफायर फिट मिलेंगे, लिनक्स 14 करके हैं, ये तीनों ही लिनक्स 14 है। यहाँ पे 4 चैनल्स हो जाते हैं, ये आपको इसमें ऐसा लग रहा है भाई इसमें वॉल्यूम नॉब तो एक ही है, नहीं भाई ये डिफरेंट होता है। इसके सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मिलते हैं, सॉफ्टवेयर्स पे ये वर्क करता है। ये ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन आपको मिलता है, ये आप देख लीजिए। बाकी यहाँ पे ये सेटिंग्स सारे हो रखे हैं, वी एरे यहाँ पे डले हुए हैं, देख लीजिए ये SCV2 यहाँ पे, ये देख लीजिए ये चारों सबवूफर इस पे एक पे जो डले हुए हैं, यहाँ पे एरे भी यहाँ पे जो इसके साथ में अटैच है। तो यहाँ पे ये हो जाता है, बाकी फ्रंट पे ही आपको यहाँ पे सारे आउटपुट इनपुट्स मिल जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, प्लग एंड प्ले वाला यहाँ पे काम है। जैसे कि मैं बताया सबवूफर से आपको ये सीधे वहाँ से आपका XLR यहाँ पे आ रहा है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे ऑलरेडी फिट मिलती हैं। सेम ऐसे ही है यहाँ पे, ये वुडन हो जाता है, ये देख लीजिए पूरा वुडन यहाँ पे। तो अटैचमेंट ऐसा लग रहा है कि ये एक जैसे ही है, पीछे से कुछ नहीं, यहाँ पे फैंस यहाँ पे लगे हैं, दिखा दीजिए पीछे जो है वो पावर भी आपको इनपुट जो है वो आसानी से हो जाएगा। तो ये तो हो जाता है, बाकी इसका और ज़्यादा कोशिश करूँगा मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी चलते हैं एक मज़ेदार से टेस्टिंग लेते हैं, चलिए देख लेते हैं।
यहाँ पे जो कि सिंगल 18 सबवूफर है बहुत ही अच्छा था और काफ़ी अच्छा इसका साउंड क्रिस्पी लाइनर बाकी में अच्छे बज रहे थे और आप टेस्टिंग देख चुके हैं। बाकी यहाँ पे ये सारा सिस्टम अगर मैं बात करूँ इसका प्राइसिंग का एक आइडिया मैं दूँ तो आपको कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी दे दूँगा, मैं अल्फ़ा टैक का नंबर दे दूँगा, तो आप यहाँ से इनके डीलर्स से नियर बाय से भी इसको परचेस कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस साउंड की क्वालिटी को या फिर टेस्टिंग भी जो है वो आप ले सकते हैं। बाकी अभी मैं हूँ यहाँ पे पाम शो पे और काफ़ी अच्छा लगा इनका डेमो क्यूब अल्फा टेक का और ये कोड़ा जो कि जर्मनी मेड है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी लगा। वीडियो को इसको लाइक करिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।